बाई लो सेल हाई, ये इतना कॉमन स्टेटमेंट है जब जब बात होती है इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल होता है, और आज हम बात भी इसी के बारे में करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मंडराल और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी मंडराल पे। आज का वीडियो डिवाइड किया है हमने तीन पार्ट्स में। पहले हम जानेंगे वो टॉप मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए जब जब मार्केट में करेक्शंस होते हैं या मार्केट वॉलेटाइल हो जाती हैं। दूसरा, क्या वो बेस्ट तरीके हैं ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट करने के। और तीसरा, एक बोनस टिप और मेरा ओपिनियन। सबसे पहले बात करते हैं उन टॉप मिस्टेक्स के बारे में जो आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए अगर मार्केट वॉलेटाइल्स हैं। फर्स्ट मिस्टेक, नेवर सेल इन पैनिक। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो कई सारे इन्वेस्टर्स करते हैं। रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ मैं कोविड का। कोविड के वक्त जब मार्च 2020 में मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए थे, तो मार्केट्स लगभग 40% के आसपास गिरे। कई लोगों ने डर के कि अब इक्विटी मार्केट्स ख़त्म होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, उनका पैसा डूबने वाला है, कई सारी चीज़ें सोच के अपना पोर्टफोलियो ज़ीरो कर दिया इक्विटी, और मतलब लॉसेस में बेचा अपने स्टॉक्स को, अपने फंड्स को। वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी, कभी भी ऐसा ना करें। और आज उन इन्वेस्टर्स को ये रियलाइज़ हो चुका है कि अगर काश वो ना बेचते तो ना ही उनके लॉसेस ना होते, बल्कि उनका आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता उनके पोर्टफोलियो में। तो ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। दूसरी गलती, कभी भी मार्केट करेक्शन में अपनी SIPs बंद ना करें। भाई, SIPs का मेन पर्पज़ ही होता है कि बढ़ते हुए मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में आपके कॉस्टिंग को एवरेज कर सकें। अब आप बढ़ते मार्केट में तो लगा रहे हो जिससे आपकी एवरेज कॉस्टिंग बढ़ रही है, अब गिरते मार्केट में अगर आप बंद कर दो तो आपकी कॉस्टिंग घटेगी कैसे, एवरेज कैसे होगी, तो उसका पर्पज़ ही डिफीट हो जाता है। तो ऐसा कभी मत करें, अपनी SIPs को चलते रहने दें, बल्कि इनफैक्ट कोशिश करें कि अपनी SIPs को बढ़ा दें। तीसरी मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो ये होता है कि वो मार्केट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वो सोचते हैं कि भाई मार्केट वॉलेटाइल है, कभी कभी उनके प्रेडिक्शंस एक दो बार, तीन बार, कभी कभी ठीक भी बैठ जाते हैं कि आज मार्केट बढ़ेगा, आज मार्केट चढ़ेगा। बहुत लोग को इंटरेस्ट आता है इस चीज़ में, और इसके चलते वो मार्केट में पैसा डालते हैं, निकालते हैं, हर बार ये सोच के कि वो हर बार सही ट्रेड कर पाएंगे, कि सस्ते में खरीद पाएंगे, महंगे में बेच पाएंगे। बट अमूमन ऐसा होता नहीं है, और अंत में पैसे का लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कई लोग को होता भी है। लोग शेयर करें ना करें, बट बहुत लोग इसमें पैसा खोते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मार्केट सबसे बड़ा टीचर है, मार्केट इज किंग। आप कभी भी मार्केट को आउटस्मार्ट करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि आप इतने फ्रीक्वेंट ट्रेड्स ना करते हो, मार्केट में बने रहें अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं, और ऐसे अंधा या ब्लाइंड रिस्क बिल्कुल भी मत लें। चौथी गलती जो हमने देखा है कई लोग करते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव जाते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी को देख के, उनको लगता है कि बहुत अच्छा मौका है। ऑब्वियसली मौका ज़रूर होता है, बट जो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर लोन लेके इन्वेस्ट कर देते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। मे बी आप बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर हों और आपको लगे कि आप उसमें ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। अब मतलब आप पर्सनल लोन लेके इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो 17-18% में, ये सोच के कि आप 25-30-40% बना पाएंगे, या कोविड के वक्त जब मार्केट गिरा उतनी तेज़ी से बढ़ गया, मतलब पैसा डबल मार्केट वहाँ से इंक्रीज हुआ, वैसे ही इस बार भी हो जाएगा, या कभी और वॉलेटाइल हो वैसे ही हो जाएगा, मार्केट गिर के डबल ट्रिपल हो जाए एक साल के अंदर ही, 6 महीने के अंदर। ऐसा हर बार नहीं होता, मार्केट के बहुत अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं। तो कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट ना करें, बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। फिफ्थ मिस्टेक हो सकती है जब आप बहुत ज़्यादा लेवरेज इन्वेस्टिंग करें। मतलब लेवरेज से मेरा मतलब है कि आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में आ जाएं, या फ्यूचर ऑप्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने लग जाएं। तो ये कई बार आपको बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत मनी मेकिंग, बहुत प्रॉमिसिंग लगता है कि बहुत पैसा बन सकता है इसमें, कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और कई बार सही ट्रेड्स पड़ भी जाते हैं। बट ये ना, इसमें कंसिस्टेंटली पैसा बनाना बहुत ट्रिकी है, और अगर आप एक एक्सपर्ट F&O ट्रेडर नहीं हैं तो इस फील्ड में बिल्कुल भी ना जाएं, किसी के बोलने में बिल्कुल भी ना जाएं। ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती है, और मैं कहूँगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा रिस्क ही डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में। तो कोशिश करिए, अगर आप एक्सपर्ट F&O ट्रेडर नहीं है तो इसमें बिल्कुल भी ना जाएं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो बात की हमने वो टॉप मिस्टेक्स की, और अब हम बात करेंगे वो अच्छे तरीके, वो बेस्ट वेज जिससे आप इस मार्केट करेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। पहला, हमेशा किसी भी थीम बेस्ड फंड में जिसका थीम इस समय अच्छा हो या वैल्यूएशन अच्छी हो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। ऑब्वियसली थीम के साथ साथ, वैल्यूएशन के साथ साथ आपको ये देखना पड़ता है कि वो फंड या वो स्टॉक फंडामेंटली भी अच्छा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसको एडवाइजरी मत समझिए।
फॉर एग्जांपल इस समय बैंकिंग फंड्स या बैंकिंग स्टॉक्स इस समय काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस में अवेलेबल हैं, तो अगर आप अच्छे वैल्यूड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को देख रहे हैं तो ये एक थीम हो सकता है जिसको आप इस समय नो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हर मार्केट करेक्शन में आपको एक ना एक सेक्टर ऐसा ज़रूर देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको कई सारे स्टॉक्स या कुछ फंड्स जो उस थीम पे चलते हों अच्छे वैल्यूशंस मिल जाएंगे विथ गुड फंडामेंटल्स। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटली वो अच्छे होने चाहिए, तो ऐसे में निवेश करिए और इस करेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं तो कोशिश करिए अपनी SIPs को थोड़ा बढ़ा लीजिए। बेशक वो आप 3 महीने 6 महीने या साल भर के लिए बढ़ाइए, बट बढ़ा लीजिए। इससे ना ही आपको ऑटोमेटिकली एवरेज करने का मौका मिलता है कि आपको नहीं देखना पड़ता कि इसे मार्केट गिर रहा है घट रहा है, यू नो गिर रहा है या बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली SIPs आपका इन्वेस्ट हो जाता है। और SIPs आपको ना कि मंथली बल्कि वीकली SIP करने का भी मौका देते हैं कई फंड्स, तो वीकली में आप वॉलिटिलिटी को और अच्छे से राइड कर सकते हैं। तो अगर आप SIPs कर रहे हैं तो उसको वीकली में कन्वर्ट कर लीजिए और उनके अमाउंट्स अगर बढ़ा सकते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तीसरा, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिए लार्जर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने की रादर देन स्मॉल कैप स्टॉक्स में, क्योंकि लार्ज कंपनीज़ में पैसा आपका सुरक्षित ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और अगर मार्केट में आपकी उम्मीद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, स्टिल आप कंपैरेटिवली लार्ज कैप कंपनीज़ कम करेक्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप। तो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में लगना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो लार्ज कैप कंपनीज़ को ज़्यादा प्रेफर करें रादर देन स्मॉल कैप कंपनीज़ को। फोर्थ, कभी भी एक स्टॉक में ओवर इन्वेस्ट ना करें, अपने पैसे को डाइवर्सीफाई करके लगाएं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, येस बैंक का जो बहुत तेज़ी से नीचे गिरा, 350-400 से 40-50 रुपये आए, फिर 14-15 रुपये तक आया। तो अगर किसी ने एवरेज करने के लिए उस स्टॉक में ही ज़्यादा ज़्यादा पैसा डाल रहा हो ये सोच के कि भाई वो स्टॉक जब वापस ऊंचा जाएगा, वापस ऊपर जाएगा, उसका बहुत प्रॉफिट होगा, तो उसका पैसा बहुत डूबा होगा। वैसे ही दूसरा एग्जांपल है पेटीएम का। इसका IPO आया 2100 रुपये में, बहुत हाई IPO था, 18000 करोड़ का IPO था, बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया और आज स्टॉक को 550-600। तो ऐसा हो सकता है कि जो स्टॉक से आप बहुत ज़्यादा रिटर्न उम्मीद करते हो आपको प्रॉफिट ना दे पाए। इस वजह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई रखें, और अगर आप इस करेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी एक स्टॉक या किसी एक फंड में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ना लगाएं। पांचवा, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि हमेशा निवेश करते समय, इन्वेस्ट करते समय, भले ही आप करेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो या जब मार्केट मोमेंटम हो तब इन्वेस्ट कर रहे हो, हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल प्लान को स्टिक करें और कहीं भी अपने गोल्स के भटक के इन्वेस्ट ना करें जस्ट टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी ऐसे करेक्शन में। कभी कभी ये ऐसा करना उल्टा पड़ जाता है, तो अपने सिर्फ गोल्स को दिमाग में रख के इन्वेस्ट करिए, ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की। और आखिरी में आते हैं बोनस टिप में, जो मैंने आपको शुरुआत में प्रॉमिस किया था, वो सिंपल है, बहुत ईजी, आपने कई बार सुनी होगी बट आपको फिर से याद दिला देता हूँ। सबसे बड़ी बोनस टिप है एसेट एलोकेशन। अपने पैसे को हमेशा अच्छे से एलोकेट कर रखिए इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। और जब हम एसेट क्लासेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली 4 मेजर एसेट क्लासेस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पैसे को डाइवर्सीफाई कर सकते हैं। पहला है इक्विटी एसेट क्लास, इक्विटी जो कि मतलब आप डायरेक्ट स्टॉक्स ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स ले रहे हैं। दूसरा है डेट, बेशक आपका पैसा प्रोविडेंट फंड में हो या FDs में हो या डेट फंड्स में हो, ये सब कुछ, या बॉन्ड्स में हो, ये सारा कुछ डेट के अंदर आता है। तीसरा है रियल स्टेट, ऑब्वियसली जब आप प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, वो घर बना रहे हैं, ये सब कुछ आपके रियल स्टेट में आता है। आपने कहीं प्लॉट में इन्वेस्ट किया, शॉप में इन्वेस्ट किया, दिस इज़ ऑल इन रियल स्टेट। और अब आप रीट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिस्टेड रीट्स आ गए हैं, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो मार्केट में लिस्टेड होते हैं। और फोर्थ है गोल्ड, जिसमें आप ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड ETFs, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 एसेट क्लासेस में अपने गोल के मुताबिक अलग अलग अमाउंट्स इन्वेस्ट करिए और अपने पैसे को हमेशा डाइवर्सीफाई करिए। याद रखिए मार्केट चढ़ेगा बढ़ेगा, वो इक्विटी हो या रियल स्टेट मार्केट हो या गोल्ड का उतरना चढ़ना बढ़ना हो, ये अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग पीरियड्स में, अलग अलग तरीके के इसमें पैटर्न्स आएंगे। बट अगर आपका पैसा अच्छे से डाइवर्सीफाइड है इन सारे सब एसेट्स में थोड़ा थोड़ा, तो आप हमेशा एक पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न के मतलब सिचुएशन में ही रहेंगे और ये बहुत पावरफुल होगा। तो जितना कंसिस्टेंसली से आप पैसा बना पाएंगे उतना ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो यह है आज की बोनस टिप, और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ गुड डे।